अभी कुछ दिनों पहले फ्री फायर वालों ने इंस्टाग्राम पर कुछ इस प्रकार का पोस्ट किया था। इस पोस्ट के अंदर एक बैनर था और बैनर के अंदर टोटल 4 बंडल थे। अब इन वाले बंडल का कहना क्या था कि अपन को इनमें से किसी एक बंडल को वोट करना था और अगर वो वाला बंडल जीत जाता तो वो वाला बंडल अपना 16 जून को मैजिक क्यूब सेक्शन के अंदर देखने को मिल जाता। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो इस प्रकार से इस वाले बैनर में जो आयरन ब्लेड बंडल था वो जीत गया था और जो दूसरे सर्वर के यूजर्स और प्लेयर वगैरह थे उन्होंने आयरन ब्लेड बंडल पर काफी ज्यादा वोट किया था, जिसकी वजह से फ्री फायर वालों ने फिर दूसरा बैनर यहां पर लॉन्च किया। अब उस वाले बैनर में क्या था, फ्री फायर वालों ने साफ साफ कह दिया था कि जो यहां पर आयरन ब्लेड बंडल है वो 16 जून को मैजिक क्यूब सेक्शन के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन ये वाला बंडल सिर्फ दूसरे सर्वर के ही अंदर मैजिक क्यूब सेक्शन के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे होगे कि अपने इंडिया सर्वर के अंदर भी देखने को मिलेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो इसलिए भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्री फायर के टॉप 10 ऐसे डिफरेंसेस के बारे में बताने वाला हूं जो कि यार अपने इंडिया सर्वर और अदर सर्वर के बीच में। और अगर आप यहाँ पर आज का वीडियो देख लोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि जो अपना इंडिया सर्वर है और फ्री फायर के जो अदर सर्वर है, अलग अलग सर्वर है, उनमें कितना ज्यादा फर्क है। अच्छा, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया था तो फटाफट से यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो चलो फिर वही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर एक, तो भाई नंबर एक पर सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करने वाले इवेंट के बारे में। अगर अपन यहाँ पर इंडिया सर्वर के इवेंट के बारे में बात करेंगे तो अभी आप यहाँ पर जब अपने इंडिया सर्वर के इवेंट सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा। खास करके अगर अपन यहाँ पर बंडल्स वगैरह के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही कम अपन को यहाँ पर इंडिया सर्वर के अंदर बंडल्स वगैरह फ्री में मिलते हैं। तो इस प्रकार से अगर अपन यहाँ पर दूसरे सर्वर के बारे में बात करेंगे तो आप यहाँ पर अभी किसी भी सर्वर को उठा लो, आप यहाँ पर फ्री फायर के किसी भी सर्वर के अंदर जाओगे तो आपको अभी कोई ना कोई फ्री का बंडल यहाँ पर बात करेंगे तो इवेंट सेक्शन के अंदर फ्री मिल रहा होगा। अब यहाँ पर कोई भी सर्वर हो सकता है, चाहे वो इंडोनेशिया सर्वर हो, साउथ अफ्रीका सर्वर हो, बांग्लादेश सर्वर हो, या फिर अपन यहाँ पर बात करेंगे अदर सर्वर हो, उन सर्वर के अंदर अभी भी यहाँ पर बात करेंगे तो अपन को कोई ना कोई बंडल मिल रहा होगा। तो इस प्रकार से जो इवेंट सेक्शन है अपने इंडिया सर्वर का और जो दूसरे सर्वर का इवेंट सेक्शन है उसमें काफी ज्यादा फर्क है। आई एम सॉरी बाबू, क्योंकि इंडिया सर्वर के अंदर अपन को कभी कभारी फ्री के आइटम्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन जो फ्री फायर के दूसरे सर्वर होते हैं उनके अंदर आप यहाँ पर जब भी लॉग इन करोगे तभी आपको कोई ना कोई फ्री की चीज वगैरह मिलती रहेगी। नंबर टू, तो भाई नंबर टू पे अपन यहाँ पर बात करने वाले लक रॉयल के बारे में। अगर अपन यहाँ पर इंडिया सर्वर के लक रॉयल के बारे में बात करेंगे तो अपना जो लक रॉयल होता है वो एकदम यहाँ पर बात करेंगे तो खाली से भी खाली लक रॉयल होता है और अपन को बहुत ही कम यहाँ पर इंडिया सर्वर के अंदर इवेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं लक रॉयल के अंदर। अच्छा, हमको सिखा रहा है। लेकिन जो यहाँ पर बाहर के सर्वर होते हैं, जो अदर सर्वर होते हैं, उनके अंदर आप यहाँ पर जैसे ही लक रॉयल के अंदर जाओगे तो उधर आप यहाँ पर देखोगे तो भाई वो पूरा लक रॉयल भरा भरा रहता है। और कमाल की बात ये भी है कि उधर यहाँ पर ऐसे ऐसे इवेंट्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे जो कि यार इंडिया सर्वर के काफी ज्यादा रेयर इवेंट्स वगैरह होते हैं। और उसी के साथ में यहाँ पर जो लक रॉयल के अंदर जो रॉयल आते हैं जिनके अंदर अपन को इमोट्स या बंडल वगैरह मिलते हैं, उन रॉयल के अंदर अपन को डायमंड वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट। तो इस प्रकार जो इंडिया सर्वर का लक रॉयल है और जो अदर सर्वर का लक रॉयल है उनके अंदर भाई काफी ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है जो कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। नंबर थ्री, तो भाई नंबर थ्री पर अपन यहाँ पर बात करने वाले इलाइट पास डिस्काउंट के बारे में। अगर अपन यहाँ पर इंडिया सर्वर के बारे में बात करेंगे तो इंडिया सर्वर के अंदर भाई बहुत टाइम से इलाइट पास का डिस्काउंट नहीं आया है। और अगर अपन यहाँ पर हर सीजन के बारे में बात करेंगे तो हर सीजन का तो इलाइट पास का डिस्काउंट अपने इंडिया सर्वर के अंदर अभी भी देखने को नहीं मिलता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन जो फ्री फायर के अदर सर्वर है उनके अंदर किसी भी सीजन का इलाइट पास का डिस्काउंट नहीं छूटता है। हर सीजन का अपन को इलाइट पास का डिस्काउंट जरूर देखने को मिलता है दूसरे सर्वर के अंदर। अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे कैसे देखने को मिलता है तो यहाँ पर देखोगे तो चार तरह से दूसरे सर्वर के अंदर इलाइट पास का डिस्काउंट आता है। सबसे पहले अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे मिस्ट्री शॉप के बारे में तो मिस्ट्री शॉप के अंदर अपन को इलाइट पास का डिस्काउंट 100% देखने को मिलता है। लेकिन मान लो कि अपन को मिस्ट्री शॉप के अंदर इलाइट पास का डिस्काउंट नहीं मिला है तो अपन को क्या होता है कि जो यहाँ पर इलाइट पास का डिस्काउंट है वो अपन को डायरेक्ट स्टोर में देखने को मिल जाता है। यानी कि भाई यहाँ पर बात करेंगे तो स्टोर सेक्शन के अंदर जो आइटम का सेक्शन होता है उसके अंदर इलाइट पास का अपन को डिस्काउंट मिल जाता है और इलाइट पास अपन को बहुत ही कम टाइम में मिल जाता है। और ये वाला जो यहाँ पर बात करेंगे तो ये दूसरा रास्ता है इलाइट पास डिस्काउंट में लेने का। और इसी के साथ में अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे तीसरे और चौथे ऑप्शन के बारे में तो कभी कभार क्या होता है कि दूसरे सर्वर के अंदर लकी व्हील का इवेंट आ जाता है, उसमें अपन को इलाइट पास का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ में शॉपिंग एसपी का भी एक इवेंट आता है, उसमें भी अपन को इलाइट पास का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ऐसे में अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे जो दूसरे सर्वर है उनके अंदर भाई किसी भी मंथ का इलाइट पास का डिस्काउंट नहीं छूटता है, हर महीने में अपन को इलाइट पास का डिस्काउंट जरूर देखने को मिलता है। नंबर चार, तो भाई नंबर चार पर अपन यहाँ पर बात करने वाले टॉप अप रिवॉर्ड्स के बारे में। अब आपको यहाँ पर टॉप अप रिवॉर्ड्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि भाई टॉप अप रिवॉर्ड्स होता क्या है। अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे टॉप अप बोनस के बारे में तो अपने सर्वर के अंदर टॉप अप बोनस जरूर आता है, जिसमें अपन को ग्लू बॉल की स्किन या फिर कार की स्किन या फिर अपन को गन की स्किन यहाँ पर डायमंड टॉप अप करने पर फ्री में मिल जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ टॉप अप रिवॉर्ड्स के बारे में। अब टॉप अप रिवॉर्ड्स होता क्या है वो मैं आपको
बताता हूँ। तो भाई दूसरे सर्वर का एक बहुत ही बढ़िया रूल है कि अगर आप यहाँ पर पूरे महीने में जितना भी टॉपअप करते हो उस टॉपअप का आपको रिवॉर्ड्स मिलता है। अगर आप यहाँ पर महीने में 300 डायमंड का टॉपअप करते हो तो आपको यहाँ पर 50 डायमंड प्लस एक डायमंड रॉयल का वाउचर फ्री में मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर 800 डायमंड का टॉपअप करते हो तो आपको 150 डायमंड प्लस यहाँ पर दो यहाँ पर डायमंड रॉयल के वाउचर फ्री में मिलेंगे। लेकिन मान लो कि आपने एक महीने में 1800 डायमंड का टॉपअप किया अपने फ्री फायर के अंदर, तो आपको 300 डायमंड और यहाँ पर बात करेंगे एक एवोल्यूशन स्टोन और उसी के साथ में आपको यहाँ पर मतलब बात करेंगे तो तीन यहाँ पर डायमंड रॉयल के वाउचर्स फ्री में मिलेंगे। क्या बात है सर। और ये वाला रूल भाइयों दूसरे सर्वर का बहुत ही बढ़िया है और ये वाला रूल मुझे काफी ज्यादा पसंद आया कि अगर अपन यहाँ पर टॉपअप करते हैं तो उसका अपन को रिवॉर्ड्स भी मिलता है। नंबर 5, तो भाई नंबर 5 पर अपन यहाँ पर बात करने वाले स्टोर सेक्शन के बारे में। अगर अपन यहाँ पर आज के टाइम में अपने इंडिया सर्वर के स्टोर सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार का स्टोर सेक्शन होता है। अब इस वाले स्टोर सेक्शन के अंदर अपन को कुछ भी चीजें नहीं मिलती है, सारी चीजें भाई अपन को डायमंड में मिलती है लेकिन कोई भी चीज अपन को गोल्ड में नहीं मिलती है। आप यहाँ पर अपने इंडिया सर्वर के स्टोर सेक्शन के अंदर से कुछ भी गोल्ड में परचेस नहीं कर सकते हो। गजब बेइज्जती है। लेकिन अगर अपन यहाँ पर दूसरे सर्वर के बारे में बात करेंगे और फ्री फायर का आप कोई भी सर्वर उठा के देख लो, उस सर्वर को आप यहाँ पर जैसे ही ओपन करोगे तो आज के टाइम में यहाँ पर दूसरे सर्वर के अंदर भाई सारी चीजें गोल्ड में मिल रही हैं। अब आप यहाँ पर कोई भी सर्वर उठा के देख लो, मैं आपको यहाँ पर पाकिस्तान सर्वर या फिर अदर सर्वर दिखा दूंगा। तो पाकिस्तान सर्वर तो एक ऐसा सर्वर है जिसके अंदर भाई फ्री फायर के जो रेयर मास्क होते हैं ट्राइबल स्कार्फ वगैरह, वो भी यार अपन को गोल्ड में मिल रहे हैं पाकिस्तान सर्वर के अंदर। और पाकिस्तान सर्वर के अंदर भाई बंडल्स वगैरह हो गए, पैंट हो गए और यहाँ पर मतलब बात करेंगे जूते वगैरह हो गए, सारी चीजें भाई अपन को स्टोर सेक्शन के अंदर गोल्ड में मिल रही हैं। और ये वाला डिफरेंस भी काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस है और काफी ज्यादा फर्क है यार अपने इंडिया सर्वर और अदर सर्वर के बीच में। नंबर 6, तो भाई नंबर 6 पर अपन यहाँ पर बात करने वाले रैंक के बारे में। अगर अपन यहाँ पर इंडिया सर्वर के रैंक के स्कोर के बारे में बात करेंगे तो भाई लाखों लाखों स्कोर निकल जाता है और 999 स्टार हो जाते हैं भाई यहाँ पर सीएस रैंक के अंदर जब अपन यहाँ पर ग्रैंड मास्टर पहुंच पाते हैं। लेकिन फ्री फायर के कुछ ऐसे सर्वर हैं जिनके अंदर अपन यहाँ पर 50-50 स्टार के अंदर सीएस रैंक में ग्रैंड मास्टर जा सकते हैं और 10-10,000 स्कोर के साथ में अपन यहाँ पर बात करेंगे तो वीआर रैंक के अंदर ग्रैंड मास्टर में जा सकते हैं। नंबर 7, तो भाई नंबर 7 पर अपने यहाँ पर बात करने वाले मैजिक क्यूब बंडल्स और मैजिक क्यूब सेक्शंस के बारे में। अगर अपने यहाँ पर इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो अपन को यहाँ पर कुछ इस प्रकार का मैजिक क्यूब का सेक्शंस देखने को मिलता है। इस वाले सेक्शन के अंदर अपन को बिल्कुल भी अच्छे बंडल्स वगैरह देखने को नहीं मिलते। लेकिन अगर अपने यहाँ पर दूसरे सर्वर के मैजिक क्यूब सेक्शंस और बंडल के बारे में बात करेंगे तो उधर अपन को बहुत ही बढ़िया बढ़िया बंडल्स वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन अगर अपने यहाँ पर फ्री फायर के तीन सर्वर के बारे में बात करेंगे, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका सर्वर, तो इन सर्वर के अंदर फ्री फायर के सबसे बढ़िया बढ़िया बंडल्स वगैरह मैजिक क्यूब सेक्शन के अंदर अवेलेबल है। सबसे पहले अगर अपने यहाँ पर बात करेंगे इंडोनेशिया सर्वर के बारे में तो इंडोनेशिया सर्वर फ्री फायर का एकमात्र ऐसा सर्वर है जिसके अंदर मैजिक क्यूब के सेक्शन के अंदर अपन को गन की स्किन्स वगैरह भी देखने को मिलती है। और उसी के साथ में अगर अपने यहाँ पर इंडोनेशिया सर्वर के बंडल्स के बारे में बात करेंगे तो इधर देखोगे तो आर्टिक ब्लू बंडल, वो भी अपन को यहाँ पर मैजिक क्यूब सेक्शन के अंदर देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ में जो ब्रेक डांसर बंडल है वो भी अपन को इसी सेक्शन के अंदर देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर अपने यहाँ पर पाकिस्तान सर्वर के बारे में बात करेंगे तो पाकिस्तान सर्वर का जो मैजिक क्यूब सेक्शन है उसके अंदर अपन को आर्टिक ब्लू बंडल और उसी के साथ में फ्री फायर के बहुत ही बढ़िया बढ़िया बंडल्स वगैरह सेक्शन के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जो कि यार सच में गजब की बात है। लेकिन उसी के साथ में अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे साउथ अफ्रीका सर्वर के बारे में तो आप यहाँ पर साउथ अफ्रीका सर्वर का भी मैजिक क्यूब सेक्शन देख सकते हो। इसके अंदर अपन को बहुत ही बढ़िया बढ़िया यहाँ पर बंडल वगैरह देखने को मिल जाते हैं। नंबर 8, तो भाई नंबर 8 पर अपने यहाँ पर बात करने वाले टॉपअप बोनस के बारे में। अगर अपने यहाँ पर इंडिया सर्वर के टॉपअप बोनस के बारे में बात करेंगे तो अपन को ग्लू बॉल की स्किन या फिर छोटे मोटे रिवॉर्ड्स वगैरह अपन को देखने को मिलते हैं। लेकिन जो फ्री फायर के दूसरे सर्वर है उनके अंदर अपन को बहुत ही ज्यादा बढ़िया यहाँ पर टॉपअप बोनस वगैरह देखने को मिलते हैं। फ्री फायर के कुछ ऐसे सर्वर हैं जिनके अंदर अपन को ब्लूप्रिंट वगैरह मिल जाती है और ब्लूप्रिंट मिलना अपने लिए एक बहुत ही ज्यादा रेयर चीज हो जाती है, क्योंकि अपन यहाँ पर बात करेंगे ब्लूप्रिंट अगर अपन को मिल गई तो अपन बड़ी आसानी से यहाँ पर इंक्यूबेटर के किसी भी आइटम्स को ले सकते हैं। तो इस प्रकार जो फ्री फायर के दूसरे सर्वर हैं उनके अंदर टॉपअप बोनस के तौर में अपन को ब्लूप्रिंट और उसी के साथ में जो यहाँ पर इंक्यूबेटर के स्टोन वगैरह होते हैं वो अपन को डायमंड टॉपअप बोनस में मिल जाते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। नंबर 9, तो भाई नंबर 9 पर अपने पर बात करने वाले पीसी प्लेयर को लेके। अगर अपने यहाँ पर अपने सर्वर के बारे में बात करेंगे तो अपने सर्वर के अंदर पीसी प्लेयर भाई एक इलीगल चीज जैसी हो गई है। अगर अपने ग्रुप में पीसी प्लेयर आता है तो अपन को पता पड़ जाता है कि ये पीसी प्लेयर है और उसी के साथ में अपन को पीसी का साइन भी देखने को मिल जाता है। लेकिन अपने फ्री फायर के अंदर कुछ ऐसे सर्वर है कि अगर अपने यहाँ पर रैंक वगैरह खेलते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ में खेलते हैं तो उधर पीसी प्लेयर पूरी तरह से लीगल है और पीसी प्लेयर रैंक खेल सकते हैं, क्लास स्क्वाड रैंक खेल सकते हैं, कुछ भी खेल सकते हैं और उन सर्वर के अंदर पीसी का साइन भी नहीं आता है और उन सर्वर के अंदर कोई भी पीसी प्लेयर
प्लेयर किसी भी मोबाइल प्लेयर के साथ में खेल सकता है और ये पूरी तरह से लीगल है और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। क्या बात करता है यार। नंबर 10, तो भाई नंबर 10 पर अपने यहाँ पर बात करने वाले इनक्यूबेटर डिफरेंस के बारे में। अगर अपने यहाँ पर इंडिया सर्वर के इनक्यूबेटर के बारे में बात करेंगे तो इंडिया सर्वर का जो इनक्यूबेटर होता है उसके अंदर अपन को एक जगह पे स्टोन मिलता है और एक जगह पे ब्लूप्रिंट मिलता है और जब भी अपन यहाँ पर इनक्यूबेटर के अंदर से कोई भी चीज निकालते हैं तो अपना अच्छा खासा डायमंड कट जाता है। ओ भाई मारो मुझे मारो। लेकिन जो दूसरे सर्वर है उनके अंदर भाइयों एक साइड पे स्टोन मिलता है लेकिन 3 साइड पे ब्लूप्रिंट मिलता है। इससे क्या होता है कि कोई भी चीज अपन इनक्यूबेटर के अंदर से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर ये वाला वीडियो देख सकते हो, तो इंडोनेशिया सर्वर के अंदर टाइटन स्कार का और उसके साथ में जो पोकर MP40 है और जो यूनिकॉर्न AK उसका एक मिक्स इनक्यूबेटर आया। अब मेरे पास कुछ यहाँ पर वाउचर्स वगैरह थे तो मैंने यहाँ पर उसमें स्पिन लगा दिया जिसकी हेल्प से मुझे काफी ज्यादा ब्लूप्रिंट मिल चुका है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इधर एक यहाँ पर टाइटन स्कार यहाँ पर एक्सचेंज कर ली और उसी के साथ मैंने दूसरी जगह पे मैंने यहाँ पर जो लास्ट की AK थी उसको भी एक्सचेंज कर लिया। लेकिन अगर अपन यहाँ पर इसी वाले इवेंट को अपने इंडिया सर्वर के अंदर रख के देखेंगे तो अगर यही वाला इवेंट अपने इंडिया सर्वर के अंदर आता है तो अपन को इसमें काफी ज्यादा मतलब इन्हीं स्किन्स को निकालने के लिए अपन को काफी ज्यादा डायमंड लगाने पड़ेंगे। लेकिन दूसरे सर्वर के अंदर वो वाली चीजें बड़ी ही आसानी से निकल जाती है। तरीका भीख मांगने का। तो ये था भाई मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और उसके साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज यार फटाफट से यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own.